बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है सर, और इस बार सरकार अखिलेश यादव बनना चाहिए सर। सारे बच्चे जो हैं हाई स्कूल इंटर तक उन्होंने सोचता है, और लैपटॉप वगैरह हर बच्चों को दिया जाता है। पीएम की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। सुनिए, हम आपको जानकारी के लिए समझाते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में बहुमत देना पड़ता है, जो पूरे देश में चुनाव होता है, एमपी चुन के आते हैं। अगर अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो महागठबंधन है कांग्रेस के साथ, उनको बहुमत देना पड़ेगा लोकसभा में, तब प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके आधार पे आप बात, ये सरकार हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए सर? एकदम धोती पहना देना चाहिए सर। क्यों हटाना चाहिए? मोदी को हटाना नहीं, हटाएंगे तो हम हट के सड़क पर आ जाएंगे, सीधी बात है सर। सरकार क्यों सड़क पे, घटिया चल रही है सर। क्या घटिया? घटिया घटिया यही चल रही है सर कि जो चीज नहीं समझ में आएगी तो ये उसको घटिया कर रहे हैं। अगर मोदी जी के काम को समझेंगे तो घटिया नहीं बोलेंगे। काम को जब समझ पाओगे, काम को यही समझना है कि मुद्दा उठा के राम मंदिर को रख दिया जाए, मामले बराबर हो जाए। एक मिनट सुन लीजिए, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मैटर है, राम मंदिर कोर्ट के आधार पर स्थापित हुआ है, सुन लीजिए, उस पर सवाल उठाने का अधिकार अब आपके पास नहीं है। नहीं। आप सवाल नहीं उठा पाते, नहीं उठा सकते, ना बीजेपी बनवाई ना मोदी बनवाए, कोर्ट के जो है निर्णय पर मंदिर बना। रही बात घटिया सरकार, आपने कहा क्या घटिया है, क्या गलत किया? घटिया ये ने आपके साथ गलत किया कि बेरोजगारी और ज्यादा इससे घटिया होगी क्या? लड़के सड़क पे, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? क्वालिफिकेशन मैंने बीसीए कर रखी है। मतलब किस सब्जेक्ट? मैंने बीसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब्जेक्ट कर रखे हैं। अप्लाई किए किसी कंपनी में प्राइवेट या जो है सरकारी जॉब के लिए? मैंने अप्लाई किया एसएससी सीजीएल, मैं तैयारी भी साथ में करता हूं, और वैकेंसी नहीं निकली तो अप्लाई कहां से होगा साला? वैकेंसी नहीं निकली। एमएसएमई का नाम सुने आप? किसका? एमएसएमई का नहीं, एमएसएमई का नाम नहीं। स्किल इंडिया का नहीं, स्टार्टअप का? स्टार्टअप का सुने हैं कि नहीं सुने हैं? फिर कहां से आपको कैसे क्या चाहिए बताइए सरकार से। चाहिए एक सर जिस वैकेंसी का हम लोग, एक मिनट, आप मालिक बनना चाहते हैं या नौकर बनना चाहते हैं? अगर हम मालिक बनना चाहेंगे तो हमें अपने स्किल को अपनाना होगा, किसी की नौकरी नहीं करना होगा उसके लिए, नो डाउट। लेकिन हर आदमी मालिक नहीं बन सकता, ये चीज आप भी जानिए, हर आदमी मालिक नहीं बन सकता, हर आदमी नौकर नहीं बन सकता सर, नहीं बन सकता। सुन, नहीं ये सही कह रहे हैं, इनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मालिक बनेंगे या नौकर बनेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपने क्यों कहा कि जो है हम बेरोजगार हैं, जो आपका स्किल होगा उसी के आधार पे आपको रोजगार मिलेगा ना, तो सही है। इस बात को आप माने कि नहीं माने? सबका विकास ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना सर। भाई सरकार तो कही रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, अगर सरकार के योजनाओं के, एक मिनट सुनिए सर, योजनाओं के आधार पर अगर आपको छाट कर किसी योजना का लाभ मिल रहा हो तो आप सरकार पे उंगली उठाइए। सरकार प्रमाणित करके या वेरीफाई करके कहती है कि हम इनको योजनाओं का लाभ देंगे या इनको नहीं देंगे। सरकार कभी मुझे कुछ ना दे तो मैं फिर भी खड़ा हो जाऊंगा अपने पैर पे, हमारे अंदर वो टैलेंट है, लेकिन बाकी लोग का भी देखना है ना विकास। ये गलत है, पहले आप अपने आप को एग्री करिए। आप बेरोजगार हैं फिर आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर टैलेंट होगा, हम खड़े हो जाएंगे, बाकियों की टेंशन मत लीजिए, सबको भगवान ने खोपड़ी दे रखा, हाथ पैर दे रखा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बताइए सरकार में काम क्या हुआ आप बताइए सर? कुछ नहीं हुआ हमारे हिसाब से, कुछ नहीं हुआ आप बताइए। केवल विकास का नाम ही विकास रख दिया गया है। हम कह रहे हैं विकास का नाम, सुनिए, विकास का नाम अगर विकास रखा गया है तो आपके पास भगवान ने खोपड़ी दे रखा, आप एनालिसिस करिए उसको, बताइए मीडिया के सामने, लोग आपको देख रहे हैं ऑन कैमरा, आप बताइए गलत क्या हुआ? आखिर विकास नाम रख दिया, काम नहीं किया, बताइए। विकास नाम रख दिया, काम कुछ भी नहीं किया है, और जो कुछ भी अपने आप से आदमी किए थे, कौन करेगा फिर इन सब चीजों को, कौन करेगा? जो कुछ भी पब्लिक ने किया था वो सब भी जो है जैसे भी चला के गिरा दिया गया है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मान लिया सरकार ने काम नहीं किया, फिर करेगा कौन? किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? केजरीवाल को बनाया जाए, केजरीवाल भी बहुत बेटर चल रहे हैं। केजरीवाल तो इस समय दारू घोटाले में जो है जेल में है। अरे अब जेल में है तो इसका मतलब क्या है? बेल नहीं होगा उनका? होगा क्यों नहीं भाई? तो फिर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दीजिए, संसद में बहुमत देना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से आ जाए ना? हम क्यों कह रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। क्वेश्चन कह रहे हैं आप, नहीं कह रहे हैं हम। खैर बात, सीधा सा मैटर है, हम कह रहे हैं केजरीवाल जी प्रेजेंट टाइम में जेल में है, लेकिन कल बेल होंगे ना? अच्छा, पास्ट में होंगे? हाँ। पास्ट में होंगे, पास्ट में हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, बराबर, मतलब केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बन जाएंगे। अच्छा। बनने लायक हैं, बन जाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई अब सबका वोट हम थोड़ी ना डालेंगे। सुनिए, अब मान लिया, हाँ बन सकते हैं, मानते हैं आपके बातों को। केजरीवाल महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ महागठबंधन के तहत जो है गठबंधन है, ठीक। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत चाहिए, सीधा सा मैटर। क्या लगता है कांग्रेस केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी? ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है फिर यार, अब जब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कह रहे हैं कि जो हम केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, फिर हम क्या माने, कैसे बनाए प्रधानमंत्री केजरीवाल? प्रधानमंत्री भाई जनता बनाती है, जनता बनाती है सर। हाँ जी, वोट देंगे केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री बनेंगे,
बनेंगे बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनाइए, जब हम वोट देंगे तो प्रधानमंत्री बनाइए केजरीवाल जी को, पहले जेल से तो निकालिए। अब जेल में तो जिसका डंडा उसकी भैंस, ये तो वो बात है, उसमें क्या है? फिर गलत। हम एक मिनट, हाँ ताली बजाओ, सब कुछ ठीक है, अगर मेरे में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में दिल्ली सरकार, सुनिए ईडी आईडी सीडी, ये तो हम तो जानते भी ना। इतनी साक्ष्यों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके अगर जेल में डाला जाए तो इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई जो है संरक्षित है। और भी तो घोटाले साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के आदेश पे अगर किसी को जेल में डाला जाए तो फिर आप कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ क्यों ना कर रहे हैं, जब सब तुम्हारे अधीन ही है, जो भी कुछ है वो सारा तुम्हारे अधीन है। फिर बेईमानी कर रहे हैं ऑन कैमरा, आप बेईमानी कर रहे हैं। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए तो कोर्ट सही है, और कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाए कोर्ट गलत है। चीज होना चाहिए उससे बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए, बैलेट पेपर से सबसे। फिर इसीलिए इसीलिए मजाक का पात्र बनते हैं आप। हम कह रहे हैं इसीलिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, इसीलिए जो है सबसे सीधा सा मैटर, इसीलिए तो आप भैया कांग्रेस वाले मजाक का पात्र बन रहे हैं पब्लिक के। हम कांग्रेस वाले, हम कह रहे हैं ये बताइए, विपक्ष का सरकार अगर राज्यों में सरकार बनाती है उसी ईवीएम से आप दौड़ के मुख्यमंत्री बना देते हैं। कहाँ बना दी? हिमाचल में किसका सरकार है? दिल्ली में किसके सरकार? दिल्ली में सब ईवीएम से। एक मिनट सुन लीजिए, ईवीएम से है कि नहीं है? तेलंगाना में ईवीएम से है कि नहीं है? कर्नाटक में ईवीएम से है कि नहीं है? ममता बनर्जी का सरकार ईवीएम से है कि नहीं है? अगर जहां जहां पर राज्य सरकारों में विपक्ष की सरकार है ईवीएम से, फिर सही है ईवीएम। आप बैलेट पेपर से वोट कराने भैया जा रहे हो, वहां की सरकारों को क्यों नहीं बर्खास्त किया? क्यों आप मुख्यमंत्री बनाए? कहते कि ईवीएम से गलत हुआ। जब एक बार बन गए हैं, जब एक बार बन चुके हैं तो उसे कोई हटा सकता है? भाई साहब 2004 से 10 साल, एक मिनट 10 साल लगातार मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे ईवीएम से कि नहीं रहे? इसके पहले एक ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, भाई साहब ये बताइए दूसरी बार जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। गलत। यस, इससे 2004 के बाद 2014 तक मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम से रहे कि नहीं रहे?